हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना पैन नंबर सर्च कर सकते हैं भाई, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपने आधार नंबर या फिर फादर नेम के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने यदि हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और उसके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, इससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपको कैसे आप सर्च करेंगे अपना पैन नंबर। सबसे पहले आप अपनी साइट है incometaxindia.efiling.gov.in की साइट पर आप हो जाएं, होम साइट पर। हम इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी साइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे हमें अपना पैन नंबर सर्च करना है अपने बाई नेम। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, नो योर पेन। मैं से डार कर रहा हूँ एक लाइन को, ये वाला नो योर पेन दे रखा है, तो आप नो योर पेन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स, इस प्रकार का आपका नाम खुलकर आएगा। यदि आप इसमें आप सब अपना सरनेम भरें, मैं आपका सरनेम वैसे बता देता हूँ, या फर्स्ट नेम आपका यदि हो तो, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करें, इंडिविजुअली हैं आप इंडिविजुअली, बिजनेसमैन तो बिजनेस, कॉर्पोरेट यूजर्स हैं। यहाँ पर यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप जो आपके पास हो उस समय वो डाल दें, जो भी आपके पास हो। उसके बाद सबमिट बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक ये OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो आपको जो OTP भेजा गया होगा वो आप यहाँ पर OTP दर्ज कर दें। मेरे फ़ोन पर आ चुका है 12। यहाँ पर उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। जब आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए, आप मेरा ये नाम है सुमित शर्मा और ये हमारा पेन नंबर, हाँ ये हमें जनरेट हो गया है। इन अदर केसेस ऐसा हो सकता है कि आपके नाम के या आपके डेट ऑफ बर्थ जैसा है जो सेम एज एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, उस कंडीशन में आपको ये आपका फादर नेम और दो तीन और जानकारी जो आपसे मांगी जाएंगी वो आपको इसमें सेकंड टाइम में फिल करनी होगी। मेरे नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति है ऐसा जो कि जो मेरी बिल्कुल सेम एज डेट ऑफ बर्थ और मेरे सेम एज पासवर्ड पिता का नाम रखता है, तो मेरा नाम फर्स्ट सर्च में इन्होंने दिखा दिया है। और आपका जो यदि होगा तो फर्स्ट आप ही एकमात्र व्यक्ति होंगे इसमें उस नाम और डेट ऑफ बर्थ के, तो आपको फर्स्ट सर्च में ये दिखा देगा। अदरवाइज़ आपको ये फादर नेम भी आपका डालना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका यही हमारा सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स।